Hello everyone, आज हम देखेंगे सेक्शन 19A ऑफ यूपी कंसोलिडेशन एक्ट। अब क्या आता है कि कंसोलिडेशन स्कीम जो है वो यूपी कंसोलिडेशन एक्ट में कैसे प्रिपेयर की जाए, तो वो 19A बताता है। 19A बताता है कि जो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर है, ACO है, वो किससे कंसल्ट करता है, वो कंसोलिडेशन कमेटी से कंसल्ट करता है और फिर वो उसी फॉर्म में, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में कंसोलिडेशन स्कीम तैयार करता है। किसके लिए? फॉर अ यूनिट। यूनिट क्या होता है? एक विलेज या उसका कोई पार्ट। क्लॉज 2 कहता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, मींस भले वो लैंड इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ये यूपी जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट में आती हो या कोई भी लॉ के अंदर आ रही हो वो लैंड, उसको कोई भी नहीं देख के, मतलब ACO जो है, अगर उसे लगता है लॉफुल है कि ये ज़रूरी है, नेसेसरी है, एक्सपीडियंट है, तो वो टेन्योर होल्डर को वो लैंड अलॉट कर सकता है, पर उसकी वैल्यूएशन को डिटरमाइन करने के बाद। या ऐसे कोई लैंड जो बिलोंग करती थी स्टेट गवर्नमेंट को या फिर वो वेस्टेड है गांव सभा में या कोई भी लोकल अथॉरिटी के अंदर, इवन जो यूपी जमींदारी एक्ट जो है उसके 117 सेक्शन के अंदर भी बताया गया है कि चाहे वो लैंड वेस्टेड है गांव सभा में या लोकल अथॉरिटी में, मीन्स इसमें लिस्ट दी हुई है, तो वो भी अलॉट की जा सकती है। अब प्रोवाइडेड क्या कहता है? प्रोवाइडेड कहता है जहाँ पे वो लैंड, ऐसी कोई लैंड जो पब्लिक पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, अगर उसको अलॉट कर रहे हैं तो पहले ACO उसे राइटिंग में लिखे डिक्लेयर करेगा कि ये मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, देन वो ट्रांसफ़र करेगा राइट जो भी उस लैंड के, भले वो पब्लिक की हो या इंडिविजुअल की हो, और उसे रिजर्व कर देगा, मींस एयर मार्क्ड कर देगा उस प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम के अंदर। मींस यहाँ तो ये सब कुछ तैयार हो गया, पर अब इसका पब्लिकेशन कैसे किया जाएगा, तो वो जस्ट बात सेक्शन 20 हमें बताता है। सेक्शन 20 कहता है कि जब आपने प्रिपरेशन कर लिया प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम का, PCS का, तो जो ACO है वो सेंड करेगा टेन्योर होल्डर को या जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है, उन्हें नोटिस दिया जाएगा जो भी रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट होगा इसके अंदर, जिससे कि वो अवेयर हो जाए कि ये ऐसे ऐसे है। और जो प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम है उसको फिर कहाँ पब्लिश किया जाएगा? इन द यूनिट। मींस पब्लिश कहाँ होगा? विलेज के अंदर होगा। फिर क्लॉज 2 बात करता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 11A। 11A क्या बात करता है? 11A कहता है कि बार लगाना ऑब्जेक्शन पे, मींस अब पब्लिकेशन हुआ, आपको पता चला, अब आप ऑब्जेक्शन करोगे, पर 11A के अंदर पहले ही बता दिया कि आप इन पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, आप क्लेम नहीं करोगे लैंड के ऊपर। ऑब्वियसली पहले आपने लैंड कह दिया कि ये इस तरीके से आप कंसोलिडेट कर दो, तो अब आप उस पर क्लेम नहीं करोगे, या इसका पार्टीशन कराओ जॉइंट होल्डिंग का, या जो भी वैल्यूएशन है प्लॉट ट्रीज के, तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, मींस 11A को मद्देनजर रखते हुए कोई भी पर्सन अगर अफेक्टेड है प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम से या डिस्प्यूट्स वगैरह से या करेक्टनेस से, तो 15 दिन के अंदर अंदर जब से वो नोटिस आया है वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। ऑब्जेक्शन कहाँ फाइल करेगा? वो ऑब्जेक्शन फाइल करेगा वो 15 दिन के अंदर अंदर ACO असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर या CO के पास ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। अब मान लो कोई भी पर्सन अफेक्टेड हुआ है जो 19A का हमने पढ़ा था क्लॉज 2 से, 19A का जो हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी लैंड, मान लो जो यूपी जमींदारी या इस एक्ट के अंदर है, पर अगर उसे लगता है ACO को कि नहीं ये नेसेसरी एक्सपीडियंट है, दी जा सकती है, अगर उससे कोई अफेक्ट होता है तो वो भी 15 दिन के अंदर अंदर उसके पब्लिकेशन से, किसके पब्लिकेशन से? प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम के पब्लिकेशन से, तो वो किसके पास जा सकता है? ACO और CO के पास ये ऑब्जेक्शन कर सकता है। अब आता है जब आपने ऑब्जेक्शन कर दिया तो अब उसका डिस्पोजल कैसे किया जाएगा, तो वो सेक्शन 21 बताता है। सेक्शन 21 कहता है कि सारे ऑब्जेक्शन जो ACO ने रिसीव करें एज सून एज जो एक्सपायरी, मतलब जो एक लिमिटेशन पीरियड है, जैसे कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर करने हैं, उसके अंदर अंदर रहते हुए ACO जो है वो किसको दे देगा? कंसोलिडेशन ऑफिसर को दे देगा कि वो डिस्पोज ऑफ करे। अभी हमने पढ़ा था वो ACO को भी दे सकता है, CO को भी कर सकता है ऑब्जेक्शन जो पार्टी है अफेक्टेड। अगर मान लो वो ACO को करता है तो ACO किसको देगा? CO को देगा, और CO उसको डिस्पोज ऑफ करेगा, सेम ऐसी ही जैसे कि ऑब्जेक्शन उसने खुद रिसीव करे हों। ठीक है, फिर क्लॉज 2 कहता है कि कोई भी पर्सन, मान लो CO के ऑर्डर से एग्रीव्ड है,
तो क्या करेगा, तो वो 15 दिन के अंदर अंदर अपील करेगा सेटलमेंट ऑफिसर के पास, कंसोलिडेटेड के पास, और वो जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। जो क्लॉज 3 कहता है, जो कंसोलिडेशन ऑफिसर है वो जब डिसाइड करेगा उस डिस्प्यूट वगैरह बिफोर, यहाँ पे दिया हुआ है कि कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास शेल, मतलब उसके ऊपर तो ऑब्लिगेशन है ही कि जब वो ऑब्जेक्शन उसके पास आया था क्लॉज 1 के अंदर, उसे पार्टीज को सुनना है। पार्टीज को तो सुनेगा, वो मेन लोकल इंस्पेक्शन करेगा, यहाँ पे भी पार्टीज का नहीं है, वो लोकल इंस्पेक्शन करेगा, मीन्स खुद जाके वो जाँच पड़ताल वगैरह करेगा, और फिर वो नोटिस भी देगा पार्टीज को कि हाँ, नोटिस देगा पार्टीज को एक कंसोलिडेशन कमेटी को कि ऐसे ऐसे है। फिर क्लॉज 4 क्या कहता है, क्लॉज 4 ये कहता है कि जब, ये थोड़ा सा बड़ा है क्लॉज, कि अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन ऑब्जेक्शन, कि जब कोई डिस्पोजल किया जा रहा होगा ऑब्जेक्शन का, या फिर कोई अपील सुनी जा रही होगी कंसोलिडेशन ऑफिसर के थ्रू या सेटलमेंट ऑफिसर या कंसोलिडेशन के थ्रू, जो भी केस हो सकता है, अगर उन्हें लग रहा है कि ये मटीरियल इनजस्टिस हो रहा है बहुत सारे टेन्योर होल्डर का, ठीक है, अगर ये इनजस्टिस हो रहा है बहुत सारे टेन्योर होल्डर का, तो वो क्या करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे कंसोलिडेशन ऑफिसर, जैसा भी कोई केस होगा, कोशिश करेंगे कि वो फेयर और प्रॉपर अलॉटमेंट किया जा सके उसका, जिससे कि टेन्योर होल्डर का राइट ना वॉयलेट हो। फिर इसके 2 पार्ट दिए हुए हैं, वो ये कहते हैं, फर्स्ट कहता है कि जो कंसोलिडेशन ऑफिसर है वो रिवाइज करेगा, मतलब फर्स्ट पार्ट में तो सीओ का दे रखा है कि वो रिवाइज करेगा प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम को पार्टीज को सुनने के बाद, और रिमांड करेगा सेम किसको, एसीओ को, कि आप ये ठीक करो जो उसको नेसेसरी लगता है। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है, जहाँ पे सेटलमेंट ऑफिसर, हमने पढ़ा, जहाँ उसके पास अपील वगैरह गई थी, सेटलमेंट ऑफिसर या कंसोलिडेशन वो रिवाइज करेगा, वो भी पीसीएस को रिवाइज करेगा पार्टीज को सुनने के बाद, उनको रिमांड के बाद, तो वो रिमांड किसको करेगा, वो एसीओ को और सीओ को करेगा। मीन्स फर्स्ट क्लॉज में तो सीओ किसको रिमांड कर रहा था, एसीओ को कर रहा था, पर सेकंड में एसओ और कंसोलिडेशन किसको रिमांड करेंगे, वो एसीओ और सीओ दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, जो नेसेसरी उन्हें डायरेक्शंस लगती हैं उसके रिगार्ड में, ठीक है। अब ये सब कुछ हो गया, अब कंफर्मेशन भी तो होना चाहिए कि हाँ, ये डायरेक्शंस आपने कर दी हैं, इसका कुछ कंफर्मेशन भी हो, तो जो सेटलमेंट ऑफिसर है वो कंफर्म करेगा, वो कंफर्म कर सकता है, ए पार्ट में बताएगा कोई ऑब्जेक्शन, उसे कोई ऑब्जेक्शन फाइल ही नहीं करा है, हमने कहा था ऑब्जेक्शन आप फाइल कर लो, 20 के अंदर आपको कहा था, 15 दिन का टाइम भी दिया था, पर आपने कोई किया ही नहीं, या जहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन फाइल हुए और मॉडिफिकेशन हो गया या ऑल्ट्रेशन हो गया, जो भी नेसेसरी था, हमने जो 21 क्लॉज 4 में पढ़ा, जो बड़ा वाला पढ़ा, कोई वो हो चुका है, तो जो प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम है वो कंफर्म हो गई है, तो वो पब्लिश कर दी जाएगी कहाँ पर, यूनिट में। यूनिट क्या था, वो विलेज या उसका पार्ट, और वो फाइनल मानी जाएगी। अब क्लॉज 3 है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अलॉटमेंट करा गया था 19A के अंदर, पर उसे मॉडिफाई नहीं करा 21 के अंदर, जो हमने पढ़ा था कि मॉडिफिकेशन किया जाएगा, और उसको पर कंफर्म कर दिया 23 क्लॉज 1 के अंदर कि हाँ हाँ ये तो होगा, और नोटिस भी इशू हो चुका है, तो वो ऐसी ट्रीट किया जाएगा कि वो फाइनल अलॉटमेंट हो चुका है। इसका थर्ड का ये सेकंड पार्ट कहता है कि ऐसे केसेस जो कवर नहीं है थर्ड के ऊपर वाले पार्ट में, उनको अगर रिवाइज करा गया है, एक्सट्रैक्ट करा गया है, मॉडिफाई करा गया है, तो वो इशू करेगा कौन, सीओ कर देगा, जहाँ पे अलॉटमेंट मॉडिफाई नहीं हुआ है बाय सेटलमेंट ऑफिसर और कंसोलिडेशन। मींस जहाँ पे मान लो एसओ के पास गई अपील या कुछ, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं ये मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कौन करेगा, तो सीओ आप ऑर्डर इशू कर देगा। पर जहाँ पे मॉडिफाई हुआ है तो वहाँ पे कौन करेगा, एसओ करेगा और कंसोलिडेशन करेगा, और ये दोनों ही फाइनल अलॉटमेंट माने जाएंगे। तो ये हमने जो पढ़ा कि सेकेंड वाला कि केसेस कवर नहीं थे तो वहाँ पे कौन इशू करेगा, सीओ और सेटलमेंट ऑफिसर, और ये माना जाएगा फाइनल। ओके, थैंक यू।